नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिनांक 19/11/2022 को दोपहर गणगौरी बाजार लालसोट में फैंसी स्टोर की दुकान करने वाली ठंडी राम मीणा के पास ऐसे ही व्हाट्सएप पर कोमल शर्मा के नाम से चैट कर वार्तालाप हुई और लड़की ने वीडियो कॉल कर उससे कुछ बातें की और उनका वीडियो बनाया। उनके मोबाइल पर उनका फ़ोटो लगाकर दोबारा वीडियो डालकर ये कहा गया है कि इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंटरनेट के सभी सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई और यदि इस वीडियो को डिलीट करवाना है तो मेरे अकाउंट में 2,00,000 रुपये डलवाओ, नहीं तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा, ऐसी धमकी दी गई। ठंडी राम मीणा ने बड़ी होशियारी से काम लिया और कहा कि वायरल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया पर इस प्रकार की घटना आम बात हो गई है, इसलिए मोबाइल पर व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पर बड़ी सावधानी बरतें। आज आपके साथ क्या हुआ बताइए। देखिए, मेरे अनजान नंबर से हाई लिखा हुआ आया मोबाइल पे, फिर मैंने भी हाई लिख दिया, फिर वो कहने लगी वीडियो कॉल पे मेरे से बातें करोगे। मैंने कहा कि भाई मेरे को टाइम नहीं, मैं दुकानदार हूँ। फिर उसने कहा कि चलो मैं करती हूँ, आप उठाना। मैंने फ़ोन उठाया, वो कपड़ा खोल के उसके गलत गलत बदन शरीर के गुप्त अंग दिखाने लगी, मेरे से भी बोलने लगी कि आपके भी दिखाओ ना। मैंने कहा कि मैं नहीं दिखाऊंगा। ये सब बातें हुई। उसके बाद में फिर उसने क्या कहा? उसके बाद में मेरे चेहरे की तो फोटो आई रही थी उसके पास में, उसने पता नहीं कैसे रिकॉर्ड की, फिर उसने मेरे चेहरे के साथ और अंग लगा दिए और अंग लगाने से मेरे से बोलने लगी इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे डालूं या डिलीट करूं। मैंने कहा कि इसको डिलीट कर दो, मेरी भी इज्जत है, मैं बाजार में बैठता हूँ, दुकानदार हूँ। तो वो मेरे से पैसे की डिमांड करने लगी। कितने पैसे की डिमांड करने लगी? में उसने 2,00,000 रुपए मांगे, फिर वो धीरे धीरे 10,000 की आ गई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा, चाहे आप कहीं भी डालो डाल दो। ठीक है, फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।